मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट चैप्टर 15। द चैप्टर नेम इज ट्रैवल। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 15। चैप्टर का क्या नाम है? ट्रैवल। आप यात्रा करते हैं, हाँ, कहीं भी जाते हैं तो ट्रैवल करते ही हैं। तो ट्रैवल आप क्या क्या चीजें करते हैं, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, हाँ, तो उसमें यूज होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन सा है, आज आपको ये पढ़ना है। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन 82 एंड 83 पेज नंबर इन योर बुक। आप अपने बुक के पेज नंबर 82 और 83 को ओपन कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, तो आज सबसे पहले इस टॉपिक पे आप जान जाइए कि आपको इस लेसन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ट्रैवल, जो आप जर्नी बाय अ ट्रेन, ट्रेन से आप किस प्रकार जर्नी करते हैं। फ्यूल, जो जिस भी ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल डलाता है, मीन्स ईंधन डलाता है, उसके बारे में पढ़ना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप जो ट्रैवल करते हैं उसमें किस टाइप्स के ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। और ट्रैवलिंग ऑफ वेरियस प्लेस, हाँ, और हम लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं वेरियस अलग अलग प्लेस में, उसके बारे में। तो सबसे पहले आपका आज का टॉपिक क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू ट्रेवल इन प्लेस टू अनदर। हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स मैंने गाड़ी का यूज करते हैं, है ना। एंड आर यूज्ड टू ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए हम लोग डिफरेंट, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के तय करना हो तो हम लोग किस टाइप के गाड़ी का यूज करते हैं, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस का अगर जर्नी करना है तो हम लोग किस टाइप के गाड़ी का यूज करते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं, आज आपको यही पढ़ना है। वी नीड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन। हम लोग एक जगह से जो दूसरे जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या जर्नी करते हैं, तो उसका विभिन्न तरह का रीजन है। अगर आपको किसी की मैरिज में जाना है तो अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो अगर उनका जो घर है वो नज़दीक है तो आप बाइक से, है ना, ऑटो से जा सकते हैं। अगर वो आपके घर से बहुत किलो मीटर दूर है तो आप ट्रेन का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं। तो वो वेरियस रीजन से हम लोग जो व्हीकल्स है वो अलग अलग यूज करते हैं। वी ऑल्सो नीड टू कैरी आवर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा हम लोग गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, जो भी सामान है वो भी तो ये करते हैं। कोई भी अगर मान लो कि आपके घर में जो, जैसे कोई भी फार्मर है, उनके खेत में जो भी क्रॉप्स हुआ, अनाज हुआ, वो भी अगर वो मंडी में देते हैं तो वो भी गाड़ी यूज करते हैं। अगर हमारे देश में कोई चीज़ भी बनता है तो मालगाड़ी के द्वारा ही वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे। तो गुड्स के लिए भी हम लोग अपने लिए भी यूज़ करते हैं, और गुड्स सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हम लोग क्या कहते हैं, व्हीकल्स का यूज करते हैं। ओके, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब कौन कौन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आज आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, बोट, है ना। कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे साइकिल हुआ, रिक्शा हुआ, मोटरसाइकिल हुआ। दीज आर जनरली यूज इन शॉर्ट डिस्टेंस। ये अधिकांशतः कितने दूरी तय करने के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, उनको कम दूरी पे जाना है तो हम लोग इस टाइप्स के व्हीकल्स का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार, स्टीमर, हेलीकॉप्टर, ट्रक, बस आर यूज टू कवर एज वेल शॉर्ट एंड लॉन्ग। इस टाइप्स की गाड़ी का हम व्हीकल्स का यूज या छोटी दूरी या बड़ी दूरी में करते हैं, है ना। अगर आपको क्या कहते हैं, स्टीमर,
ट्रक, ये सब है बस, तो ये छोटी दूरी या बहुत बड़ी दूरी के। इसके अलावा सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक शिप, एरोप्लेन, ट्रेन आर यूज्ड फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और जैसे एरोप्लेन से हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हुआ है, बड़ा बड़ा शिप है वो भी है, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं है ना, और या फिर एक जगह से दूसरे जाते हैं तो लंबी दूरी, जैसे आप अगर बिहार रहते हो आपको केरला जाना हो तो आप क्या चीज से जाओगे, जर्नी करोगे, आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा ओके, या एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। तो आप इसमें पढ़े क्या क्या चीज कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम लोग किस किस टाइप के ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, हमारा डिस्टेंस कितना है, उसके अनुसार ही ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज। अगर आप छोटी दूरी के तय करते हो तो आप लोग को मोटरसाइकिल हुआ, रिक्शा हुआ, साइकिल यूज करते हैं। उससे और ज्यादा दूरी तय करते हो तो बस से जाते हो, आप कार से जाते हो, वैन से जाते हो। इसके अलावा जो बहुत दूर के हो, अदर कंट्री में जाते हो, या अपने एक छोर से दूसरे छोर भी किसी स्टेट में जाते हो, तो आपको एरोप्लेन या फिर क्या कहते हैं ट्रेन का यूज करना पड़ता है। तो आज आपने पढ़ा कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जर्नी करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वो उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का होता है, हम का यूज करते हैं ओके स्टूडेंट। तो आप इस लेसन को अच्छे से घर पे लर्न कर लोगे, रीड कर लोगे ओके, थैंक यू।